हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, सो उसके बर्थडे पे मैंने एक जिंजर प्लांट लगाया था। सो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जिंजर है और ये दो उसके प्लांट निकल रहे हैं साइड से। सो ये प्लांट हमने एक छोटे से पॉट में लगाया है और टोटल 1.5 ईयर्स लेता है ये पूरा जिंजर प्लांट ग्रो करने में, और 6 to 7 मंथ के बाद आपको ये पॉट चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इट्स स्मॉल। सो इसको हमने एक नर्सरी की तरह यूज़ कर रहे हैं। एंड आपके डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक जिंजर है छोटा सा, इसका प्लांट ऐसे निकलता है, जिंजर का प्लांट। और सो आप देख, आप लोगों के लिए डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे पहले पॉट रेडी करते हैं। सो ऐसे पहले पॉट को सॉयल और कंपोजर डाल के पहले अच्छा से आप रेडी कर लें, ठीक है, थोड़ा उसको गीला कर लें। एंड जब भी कोई नया प्लांट लगा तो एक रूल होता है कि आप पाँव में स्लीपर या जूता ना पहने, ठीक है। सो ऐसे कर सकते हैं, वो एक रूल है जब भी आप कोई प्लांट लगाएं, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशनल रूल। सो वी प्रिफर दैट रूल कि जब भी हम कोई नया प्लांट लगाते हैं, एज यू कैन सी वी आर वेयर फुटेड, सो जब भी कोई प्लांट लगाए तो आप मोस्टली ट्राई करें कि आप जूता ना पहने। तो पहले आप अच्छा से पहले ये लगा लें, ठीक है, फिर उसको थोड़ा पानी डालें और गीला करें उस जगह को, बिकॉज जिंजर को थोड़ा गीला जगह बहुत पसंद है। तो अच्छा से उसको गीला करके तो आपको मतलब हर 2 या 3 दिन में उसको थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का देना, ठीक है। सो उसके बाद आपको ये जिंजर का प्लांट लेना है, ठीक है, इसका जो फेस है वो ऊपर रखना क्योंकि ये यहीं से ग्रो करेगा। एंड यू हैव टू पुश इट लिटिल बिट डीपर और थोड़ा थोड़ा उसको हल्का से उसको आप चढ़ा दें, ठीक है। और तो नाउ यू कैन सी कि उसका जो फेस है, जो जहाँ से वो ग्रो कर रहा है, वो ऊपर है और हमने उसको अच्छा से अंदर पुश कर दिया है। सो नाउ इट इज़ रेडी, ओके। सो कुछ दिनों में वो भी उस तरह बड़ा हो जाएगा।